पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 500 के नए नोट में गलती होने का दावा किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स दावा कर रहे थे कि नए 500 के नोट में प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर के मुताबिक नोट के जिस हिस्से में गांधी जी की तस्वीर है उस ओर छपाई में कई गलतियां हैं। चलिए आपको उन 8 गलतियों के बारे में बताते हैं जो सोशल मीडिया पर नए नोट में बताई जा रही है। 1, गांधी जी की तस्वीर की परछाई का आकार हर नोट में अलग अलग है। कुछ नोट में सिर के पीछे और चेहरे के आगे ज्यादा परछाई नजर आती है। 2, गांधी जी के कान के पीछे अंकों में लिखा 500 का 0 अंक कान से छिप रहा है। 3, किसी किसी नए 500 के नोट में अंग्रेजी में लिखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले 2 अक्षर सुरक्षा पट्टी के ऊपर ओवरराइट है। 4, किसी नोट में सुरक्षा पट्टी इस हरी रेखा से बिल्कुल सटा हुआ है जबकि किसी नोट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5, किसी किसी नोट में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अलाइनमेंट में गड़बड़ी है, चिन्ह इस पट्टी के बाहर आ रहा है। 6, मैसेज में नोट के सीरियल नंबर में भी गड़बड़ी का दावा किया जा रहा है। 7, नोट के किनारे बने इस चिन्ह का कुछ हिस्सा बाहर की ओर सफेद पट्टी पर दिख रहा है। 8, RBI के लोगों में भी अंतर का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ तो इस पर RBI की सफाई भी सामने आई है। RBI ने बयान जारी कर कहा है कि नोट नकली नहीं है, इनमें महज छपाई की गलती है, लोग आराम से नोटों का लेन देन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर उनको ज्यादा गड़बड़ी लगती है तो वो ये नोट RBI को लौटा भी सकते हैं। NMF News की रिपोर्ट।